कल्याण सप्ताह का आगाज हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया उन्होंने वो इतिहास में लिखा गया है। जो कुछ देख रहा देश में हम लोग देख रहे हैं, जो उसकी नींव रखी गई है उनके द्वारा रखी गई, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थान, आज जो कुछ भी इसरो से लगा के DRDO इसके निर्माण नौबत आई, आज सब कुछ देखने को मिलता है विज्ञान में टेक्नोलॉजी में, वो नींव उन्होंने रखी थी। शानदार संस्थाएं स्थापित कर दी हर क्षेत्र के अंदर, IIM, IIT, IIM लगा के एम्स तक की संस्थाएं उस जमाने में स्थापित की गई। और मुझे लगता है कि आज हम बैठे हैं, ऐसी मीटिंग होती रहनी चाहिए हर जिले के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, पर नई पीढ़ी का कनेक्शन टूट जाएगा देश के इतिहास से। बच्चे रह नहीं पाएंगे महात्मा गांधी कौन थे, पंडित नेहरू कौन थे, सरदार पटेल की भूमिका थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे देश के, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने वाले की भूमिका क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या था। अभी से ही इस बात का एहसास हो रहा है जो चिंता का विषय बना हुआ देश के अंदर, कि नई पीढ़ी कटती जा रही है, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गए। राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी में, उनके सोच के साथ में सब कुछ आ गए हैं, दुनिया की ज्ञान मुट्ठी में आ गया है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। युवा पीढ़ी और छात्र भी हमसे आगे निकल रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, परंतु अगर इतिहास नहीं है हमारा, और अगर इतिहास नहीं है, इतिहासिक जानकारी नहीं है, तो हम इतिहास बनाने के काबिल नहीं बन पाएंगे। हर व्यक्ति को जिंदगी में वो काम करना चाहिए जिससे कि वो इतिहास में अपना नाम अंकित करवा सके, किसी किसी रूप में, चाहे वो गांव स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो। इसलिए जरूरी है कि संगोष्ठी हो, परिचर्चाएं हो। मुझे खुशी है आज गांधी दर्शन समिति के माध्यम से, और जो हमने शांति व अहिंसा का जो विभाग बनाया, डायरेक्टर बनाया है राजस्थान के अंदर, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर जहाँ पर एक डायरेक्टर के रूप में बना है, और इसमें मनीष शर्मा जी और पूरी टीम लगी हुई है। गांधी जी के नाम का म्यूजियम बना रहे हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर, उनसे MOU करके हम चाहते हैं कि यहाँ पर सोशल वर्कर्स अच्छे अच्छे आगे आए, बन सके। वो इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी गई है, काम शुरू हो गया है। अभी जो कैंप लगाया गया है, तो मुझे खुशी है कि अमरनाथ भाई का बड़ा नाम है देश के अंदर, वो भी आए हैं, मनोज जी आए हैं वर्धा से, प्रशांत जी आए हैं वर्धा सेवाग्राम आश्रम से, मुझे बचपन में सेवाग्राम आश्रम में 15 दिन रहने का सौभाग्य मिला, और क्या माहौल था उस जमाने के अंदर। अभी हमें 2 साल पहले और जाने का मौका मिला, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी वहाँ की, सोनिया गांधी जी ने, तब भी गए थे। बचपन याद आ गया वहाँ पर कि 50 साल पहले मैं यहीं पर बैठ करके मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, वहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी अभी हुई है। ये तो एक लंबा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। तो चुनौतियाँ इतनी बड़ी है, अब क्योंकि हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, तो बालकों की जो समस्याएं हैं वो अलग तरह की समस्याएं हैं। उनका अध्ययन करना, उन पर विचार करना, उनको चुनौती के रूप में स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है, और चैलेंजेस के रूप में स्वीकार करेंगे तो ही मैं समझता हूँ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना है, कैसे उनके प्रोटेक्शन हो, कैसे उनके हितों की रक्षा हो, बहुत बड़ा काम है ये बच्चों का। और बचपन अगर उनका चला गया गलत रास्ते पर, तो देश के नुकसान है। देश का भविष्य टिका होता है नई पीढ़ी पे बच्चों को। इधर हर
स्तर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार के साथ में समाज की जिम्मेदारी होती है कैसे हम उनके हितों की रक्षा करें। आज कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है इसी विषय को लेकर के, उसे अंदाज लगा लीजिए कि नोबेल पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को मिला जो बच्चों के हितों की रक्षा करने में अपने आप को समर्पित किया हुआ था। जो देखते हुए रात को एनडीटीवी में प्रोग्राम आता है तो वो किस रूप में उनकी भूमिका है। इसलिए आज बहुत ये महत्वपूर्ण दिवस है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे भी आए। मैं उनका यहाँ आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री निवास पर, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आप संकल्प लेके जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर कैसे हम उन समस्याओं के निवारण के लिए आगे आएंगे। अभी पजार साहब ने अभी यहाँ पर उपस्थित हुए कुछ साथियों को हमने अवार्ड दिया है जो अभी शुरू किया गया है पंडित नेहरू के नाम से, तो शुरुआत है। आने वाले वक्त में हम चाहेंगे और मजबूती के साथ में काम को आगे बढ़ाएं। कुछ साथी आए हमारे जो बाड़मेर